दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बार 2020 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में कुल कितने खर्चे निर्धारित किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। साथ ही साथ यह भी पता चलेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम प्रधान हैं, कुल कितने BDC हैं और कितने ब्लॉक प्रमुख और कितने जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है और पर्चा दाखिला होने के टाइम पर कितना खर्च करना होगा और जमानत राशि के तौर पर सिक्योरिटी मनी कितना जमा करना होगा। 2020 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित समस्त जानकारी, समस्त खर्चे के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत चुनाव यानी ग्राम प्रधान की। अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 59,076 ग्राम प्रधान मौजूदा समय में हैं। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है और इनको 75,000 रुपये चुनाव में खर्च करने की सीमा तय की गई है। इनका चुनाव हरे रंग के बैलेट पेपर द्वारा होता है और पर्चा दाखिला के समय इन्हें 300 रुपये का नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। सिक्योरिटी मनी के तौर पर इन्हें 2,000 रुपये जमा करना होता है। इसके अलावा यदि हम बात कर लें ग्राम पंचायत सदस्य की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 7,44,374 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। इनका भी चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। चुनाव में खर्च करने के लिए इनके लिए कुल 10,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। इनका चुनाव सफ़ेद रंग के बैलेट पेपर द्वारा होता है और इन्हें नॉमिनेशन फॉर्म अर्थात पर्चा दाखिला भरने के लिए 150 रुपये का फॉर्म भरना होता है। जमानत राशि के तौर पर सिक्योरिटी मनी के रूप में 500 रुपये जमा करना होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्लॉक प्रमुख का, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 821 ब्लॉक प्रमुख हैं। इनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है यानी सीधे जनता द्वारा न होकर के किसी अन्य के द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि इनका चुनाव BDC के द्वारा होता है। चुनाव में खर्च करने की सीमा इनके लिए 2,00,000 रुपये निर्धारित की गई है और इनका चुनाव सफ़ेद रंग के बैलेट पेपर द्वारा होता है। सिक्योरिटी मनी के तौर पर इनसे 5,000 रुपये जमा करवाया जाता है और इनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म अर्थात पर्चा दाखिला इनके लिए 800 रुपये में मिलता है। इसके अलावा अगर हम क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी BDC की बात करें, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 77,805 BDC हैं और इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है और इन्हें भी चुनाव में खर्च करने के लिए 75,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है और इनका चुनाव नीले रंग के बैलेट पेपर द्वारा होता है और इन्हें नामांकन के लिए पर्चा दाखिला फॉर्म 300 रुपये में मिलता है। इन्हें भी जमानत राशि के तौर पर यानी सिक्योरिटी मनी के रूप में कुल 2,000 रुपये जमा करना होता है। इसके अलावा अगर हम जिला पंचायत की बात करें, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 3,121 है। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है और चुनाव में खर्च करने की सीमा इनके लिए 1,50,000 रुपये तय की गई है और इनका चुनाव गुलाबी रंग के बैलेट पेपर द्वारा होता है और पर्चा दाखिला के लिए नामांकन फॉर्म इन्हें 500 रुपये में दिया जाता है और सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमानत राशि के रूप में 4,000 रुपये जमा करवाया जाता है। और सबसे लास्ट टॉपिक जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और कुल जिला पंचायत अध्यक्षों की संख्या भी 75 है। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा न होकर के इनडायरेक्ट तरीके से होता है। कहने का मतलब है कि इनका चुनाव जिला पंचायत सदस्य लोग करते हैं। चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए इनके लिए 4,00,000 रुपये की सीमा तय की गई है और इनको सफ़ेद रंग के बैलेट पेपर द्वारा इनका चुनाव होता है। इनके लिए नामांकन फार्म पर्चा दाखिला वाला फॉर्म 1,500 रुपये में मिलता है और जमानत राशि के रूप में 10,000 रुपये जमा करवाया जाता है। तो ये रही ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित समस्त जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं अपनी अतिरिक्त सुविधा के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। यदि आप अपने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का सारा डाटा चाहते हैं, जैसे नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, शौचालय, आवास, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि के बारे में पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं,
तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क करके आप डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त आय व्यय का ब्यौरा आपको हमारे द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। धन्यवाद।